हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मी सहेली चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चने दाल से बनाए जाने वाले बहुत ही टेस्टी नाश्ता की रेसिपी, जिसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चने दाल को अच्छे से फुला के ले ली हूँ। ये 6 से 7 घंटा तक इसे डाल दी थी पानी में और ये बहुत अच्छे से फूल चुका है। तो अभी जितना हमें ज़रूरत है उतना निकाल लेती हूँ दूसरे बर्तन में और दाल को रख लूँगी दूसरा काम के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ चना दाल। वीडियो पूरा देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। ये सिंपल सा रेसिपी है लेकिन बनाना भी बहुत आसान है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बच्चे बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अब दाल में डाल लेती हूँ हरी मिर्ची, आप जितना बना रहे हो उस अनुसार से तीखा डाल लीजिएगा, और थोड़ा सा अदरक इसमें डाल रही हूँ, थोड़ा सा लहसुन, आप खाना पसंद करते हैं तो ही डालिएगा, नहीं तो आप बिना इस लहसुन का ही बना लीजिएगा, और 1 छोटा चम्मच जीरा, और 8 से 10 इसमें डालूँगी काली मिर्च। तो सारे चीज़ को पहले दाल के साथ डाल ली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल प्रेस भी कर लीजिएगा, हर रोज़ आपको एक नई नई सी वीडियो मिलते रहेगी देखने को। अभी ले ली हूँ छोटा वाला जार, और इसी में डाल देना है सारे दाल और साथ में जो मसाला डाली हूँ उसे भी। तो चलिए फ्रेंड्स, सारे को इसमें डाल देती हूँ, और इसमें डालने के बाद क्या करना है, इसे बारीक सा पीस लेना है, पेस्ट बना लेना है। इसमें पानी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, चाहे तो 1-2 चम्मच पानी डाल ले जिससे कि दाल पीसने में थोड़ा सुविधा हो, बस इतना ही आपको पानी डालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से दाल को पीस के ले आई हूँ और ये बिल्कुल चिकना हो गया है, इसमें दरदरा सा नहीं है। तो क्यों दरदरा नहीं रखना है वो मैं आपको बताऊँगी। देखिए एकदम चिकना सा बहुत अच्छे से पीस जाता है, दाल तो सॉफ्ट हो जाता है भींगने के बाद। तो चलिए इसे निकाल लेती हूँ दूसरे बर्तन में। फ्रेंड्स, अभी तक आपने पापड़ नहीं बनाया है, पापड़ बनाने के शौकीन हैं और हमारा वीडियो नहीं देखा है पापड़ का, तो देख सकते हैं यदि आप नए हैं तो। बहुत सारे पापड़ की रेसिपी अपलोड की हुई हूँ, जिसे कि बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बना के डाली हूँ। आप लोगों ने बहुत सारे प्यार भी दिया हमारे सारे पापड़ के वीडियो को, तो आप भी देख सकते हैं, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि आगे भी आपको मिल सकता है नया नया वीडियो। अब इसमें डाल दी हूँ थोड़ा सा अजवाइन दाल के साथ ही, अब डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार नमक, और सारे को अच्छे से मिक्स भी करते जाना है। इससे क्या होगा, अजवाइन भी हमारा अच्छे से फूल जाएगा, थोड़ा समय मिलेगा उसे। तो अब इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, थोड़ा थोड़ा यानी जितना हमारा दाल है उस अनुसार से मैं मसाला डाल रही हूँ, और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। आप ज़्यादा दाल ले रहे हैं तो उस अनुसार से आप सारे चीज़ को डाल लीजिएगा। अब इसमें डाल देना है 1 चम्मच के करीब तेल, तो यहाँ पर 1 चम्मच तेल डाल देती हूँ, जिससे कि बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट सा क्रिस्पी सा हमारा रेसिपी बनके तैयार होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे अच्छे से मिक्स कर दी हूँ और इससे ही बना के दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी सा, सिंपल सा, बनाने में बहुत ही आसान लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो फ्रेंड्स, ये है गेहूँ का आटा, सूजी पहले डालूंगी इसमें। देखिए तो इस बड़ा चम्मच है हमारा, यानी खाने वाला चम्मच से आप डाल रहे हैं तो 4 चम्मच 1 कप दाल में डाल रही हूँ। तो यहाँ पर सूजी डाली हूँ और सूजी को अच्छे से मिक्स कर लेना है 4 चम्मच के करीब, छोटे वाले चम्मच से हुआ। आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो सूजी का मात्रा भी ज़्यादा कर सकते हैं, मोटा हो या बारीक हो आप डायरेक्टली डाल दें, कुछ नहीं है कि ऐसा कि सूजी को बारीक करके पीसना है, नहीं, खुद ब खुद वो फूल जाएगा। अब इसमें डालना है गेहूं का आटा, तो यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा ली हूँ और कम कम करके इसमें डालना है। तो इसके लिए मैं बताई थी फ्रेंड्स कि दाल को बारीक पीसना है, जिससे कि आटे के साथ अच्छे से वो मिक्स हो जाए, और पानी कम कम डालिएगा, पानी कम डाल के पीसिएगा तो आटा का मात्रा जो है सही रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा। होता है ना कि आप ज़्यादा दाल को गीला कर लेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको आटा भी डालना पड़ेगा, तभी तो उसका डो सख्त होगा। तो इसके लिए कम कम पानी डाल के आप पीसें, बाद में आपको लगे कि आटा ज़्यादा डालना है और दाल हमारा बहुत ज़्यादा सख्त है तो आप बाद में पानी डाल सकते हैं अलग से, और यदि पहले ही दाल गीला हो जाएगा तो फिर उसका कोई उपाय नहीं है। अब इसमें अच्छे से
थोड़ा थोड़ा आटा डालते हुए कुल एक कप हमारा आटा लग चुका है और 4 चम्मच के करीब सूजी, और अच्छे से इसे मिक्स करके अब ढक के छोड़ देना है कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए, जिससे कि आटा बहुत अच्छे से रेस्ट कर ले और इसमें जो सूजी है वो भी फूल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, 5 से 7 मिनट हो चुका है, अब इसमें डाल देती हूँ धनिया की पत्ती। पहले नहीं डाली थी क्योंकि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, अभी डालने से एकदम फ्रेश फ्रेश सा लगेगा। आप चाहें तो पहले भी डाल सकते हैं। अब एक बार फिर से आटे को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जब आप दोबारे में मिक्स करें तो इसमें धनिया की पत्ती, कड़ी का पत्ता, कुछ भी डाल सकते हैं जो आपके पास है। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से इसे मिक्स करके और तैयार कर ली हूँ, सॉफ्ट कर ली हूँ। आटा बहुत अच्छे से हमारा सॉफ्ट हो गया है और सूजी भी फूल चुका है, देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा है हमारा आटा। बहुत ज़्यादा इसे लूज नहीं करना, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है, मीडियम रखना है। तो अब यहाँ पर डाल देती हूँ तेल को गर्म होने के लिए। जब तक हमारा तेल गर्म होगा, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तेल गर्म होने के लिए रख दी हूँ। अब इसका लोई कट कर लेना है, रोटी से थोड़ा सा बड़ा बड़ा लोई लेना है, क्योंकि एक बार में बहुत सारे हमें कट करके निकालने हैं। अब एक लोई को लेके इसका रोटी के इतना बेल लेना है जैसा हम लोग घर में रोटी पूरी बेलते हैं ना, बस उतना ही, ज़्यादा ना मोटा ना बहुत ज़्यादा पतला, इस टाइप से आपको बेल लेना है। तो चलिए इसको बेल के तैयार कर लेती हूँ एक रोटी को। बहुत ही अच्छा से इसे बेल लेना है और बहुत आसानी से ये बेल भी जाता है। थोड़ा थोड़ा सा आटा लगाते जाइए और आराम से ये बेल के तैयार हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बेल के एक रोटी तैयार कर ली हूँ। इसी तरीके से सारे रोटी को बेल लेना है। अब इसे कट करना है, तो कट करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ कुकी कटर। तो हम ये हार्ड शेप वाला कुकी कटर ले रही हूँ फ्रेंड्स, ये आ जाता है, आप जब इसे ऑनलाइन मंगाएंगे तो इसमें बहुत सारे शेप वाला कटर आपको मिल जाता है। आप चाहे तो इसे गोल गोल भी कट कर सकते हैं, स्टार शेप भी दे सकते हैं, आपकी पसंद। लेकिन इसे मैं ये वाले शेप से बना रही हूँ, हार्ड शेप से बना रही हूँ। देखने में बच्चे बहुत पसंद करते हैं और सभी कोई को अच्छा लगता है। तो आप इस कुकी कटर से इसका शेप दे दें, कोई भी शेप जो आपको पसंद है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कट करके निकाल देती हूँ। और कभी कभी होता है ना कि कटर उतना ज़्यादा तेज़ नहीं देते हैं वो लोग, तो देखिए कटने में थोड़ा सा ये हो जाता है, लेकिन 1 से 2 बार कट करूँगी तो अच्छा से शेप आने लगेगा। देखिए इस तरीके का बहुत ही सुंदर हमारा बन के तैयार हुआ है नाश्ता। तो चलिए सारे को मैं इसी तरीके से कट करके और तैयार करके पहले रख लेती हूँ, जब तक हमारा तेल भी गर्म हो रहा है। देखिए कितना सुंदर है, आप अलग अलग शेप में भी बहुत सारे कट करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए सारे को पहले कट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना सारा हमारा बनके तैयार हुआ है। और इसे कट करने के बाद जो आटा बचता है उसे वापस से आप बेल के इसी तरीके से तैयार कर ले। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें एक एक नाश्ते को डाल के अच्छे से अलट पलट करते हुए दोनों तरफ से, जैसे हम लोग पूड़ियाँ तलते हैं बिल्कुल वैसे ही तल लेना है। तो सारे को तल के तैयार कर लेती हूँ, खाने में बहुत ही अच्छा, बच्चे को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, कहीं आप जा रहे हैं हल्का फल्का भूख के लिए भी आप साथ में लेके जा सकते हैं। देखने में भी बहुत अच्छा, खाने में भी बहुत अच्छा है। वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, आपका कुछ नहीं जाएगा, हाँ आपका प्यार थोड़ा सा जाएगा हमारे प्रति। तो अपना प्यार बनाए रखिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। देखिए इस तरीके का कुछ है, हमारा नाश्ता बन के तैयार हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, सारे को बना के उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा सारा नाश्ता बनने के बाद कैसा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे नाश्ते को बना के तैयार कर ली हूँ। बहुत अच्छा फुला फुला सा, क्रिस्पी सा, करारा सा बनता है और कोई भी झंझट नहीं है बनाने में। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये नाश्ते वाली वीडियो अच्छी लगी होगी और आप भी इसे ज़रूर बनाना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ।